Hey guys, this is Shivam. Welcome back to another video of ऐसे फोटोग्राफी डी जे मार्शमेलो. डी जे मार्शमेलो को आप लोग जानते ही होंगे. तो आज हम लोग डी जे मार्शमेलो बन रहे हैं. जिनको डिजिटल मार्शमेलो बनना है, वीडियो को लाइक कर दें. और चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. चलिए इंट्रो के साथ शुरू करते हैं. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है. चलिए सिंपली हम लोग अपने मॉडल को बैकग्राउंड के अंदर ले आते हैं. ये बैकग्राउंड आ गया है. अब लोग हम लोग इसको पूरी सिंपली ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, क्योंकि मास्क जब लगाएंगे तब तो ये छुप ही जाएगा. डन कर देंगे. फिर जैसे कि मार्शमेलो की हम लोग फोटोज़ देखते हैं तो उसमें वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट पहन रहता है, तो हम लोग इसके भी जो है उसको ब्लैक एंड वाइट कर देंगे. एडजस्ट में जाएंगे, उसके बाद सेचुरेशन में उसको एकदम ज़ीरो कर देंगे, उसके बाद डन कर देंगे. ये देखिए डन हो गया है. अब हम लोग ऐड फोटो करके हमारे पास एक मास्क का पीएनजी है, उसको लेके आएंगे. इस पीएनजी को मैं नीचे आपको दे दूंगा, आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं इस बैकग्राउंड को. और इस मास्क के पीएनजी को मैं आपको नीचे दे दूंगा. ये देखिए ये हो गया है, इसको डन कर देंगे. मास्क भी लग गया. अब हम लोग जो अपना बैकग्राउंड है उसको एक बार और इंपोर्ट करेंगे ऐड फोटो पे जाके. ऐड फोटो करके इसी बैकग्राउंड को एक बार और लेके आएंगे और उसको पूरा एडजस्ट कर देंगे. उसके बाद ओबेसिटी को कम करेंगे. ये देखिए अब ऐसा लग रहा है कि जो लेज़र लाइट्स हैं वो मॉडल के ऊपर भी आ रही हैं. अब उसके बाद सिंपली हम लोग इसको डन कर देंगे. अब बाकी का जो हम लोग रिटच करेंगे वो लाइट रूम के अंदर करेंगे. तो पर चलिए सिंपली इसको ड्रॉ टूल में जाके इसको सेव कर लेते हैं. फोटो हमारी सेव हो गई, तो चलिए चलते हैं लाइट रूम ऐप में. फ़ोटो देखिए लाइट रूम ऐप में ओपन हो चुकी है. तो सिंपली हम लोग प्रोफाइल ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ से हम लोग आर्टिस्ट्री 6 को चूज़ करेंगे. उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और डन कर देंगे. अब हम लोग ऑटो पे क्लिक करेंगे. अब देखिए फ़ोटो में ज़्यादा ब्राइटनेस आ गई, तो हमें ब्राइटनेस नहीं चाहिए, तो अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे. एक्सपोज़र को 0.01 कर देंगे, वाइट्स को हल्का बढ़ा देंगे, ब्लैक्स को हल्का सा बढ़ा देंगे, सेड कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे. डिस्को में है तो डिस्को वाला फील आना चाहिए ना. एक्सपोजर को 1 ही रखेंगे. उसका टेम्परेचर पे जाएंगे और विब्रेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा देंगे. उसके बाद मिक्स टूल में जाएंगे. बस सिंपली हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हर चीज़ की ल्यूमिनेंस को बढ़ाते जाएंगे. सभी की ल्यूमिनेंस को हम लोग को बढ़ाते जाना है 40 तक, 50 तक, बस ज़्यादा नहीं. ये देखिए फोटो में कितनी लाइट आ गई है. उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे, क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ा देंगे, इन्हेंस को बढ़ा देंगे और विग्नेट को कम कर देंगे. उसके बाद शार्प डिटेलिंग ऑप्शन में जाएंगे, नॉइस रिडक्शन को हल्का सा बढ़ा देंगे और शार्पिंग को हल्का सा बढ़ा देंगे. और इसका कंट्रास्ट को बढ़ा के कलर
नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देंगे। उसके बाद बस सिंपली इस फोटो को अब हम लोग सेव कर लेंगे, सेव टू डिवाइस। फोटो सेव हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बीच में गोला सा आ रहा होगा ऐसे फोटोग्राफी लिख के, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जो बताएं कि आपको वीडियो अच्छा कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।